हेलो गोइंकन्स, हाउ यू? कैसे हैं आप बच्चों? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। आज हमने सबसे अच्छी मिठाई का बाकी हिस्सा पढ़ना है, यानी मौखिक वाचन करना है। किसका सबसे अच्छी मिठाई? ये आपकी पृष्ठ संख्या 14 तो हमने पढ़ा था, 14 पेज नंबर, लेकिन ये आपका 15 पेज नंबर है, जिसका हम बाकी हिस्सा आज पढ़ते हैं। चलो आरंभ करते हैं। तो हमने वहां तक पढ़ा था कि जहां तक महाराज अपने राजपुरोहित से कहता है कि कौन कौन सी मिठाइयाँ अच्छी है, और वो उनको बोलता है कि मिठाइयाँ मालपुआ, बर्फी, हलवा, ये सब उनको बहुत, मतलब इस सर्दी के मौसम की सबसे अच्छी मिठाइयाँ हैं। तो फिर बादशाह जो राजा है, उसके मुंह में पानी आकर वो क्या करता है, अपने रसोई को वो बुला रहा था कि बुला के उसने बोला कि तीनों के तीनों मिठाई प्रस्तुत की जाए। तो फिर हम यहाँ से उसका आगे का कहानी यहाँ से है। तीनों मिठाइयाँ आ जाने पर उन्होंने राज पुरोहित से कहा, अब आप इन तीनों मिठाइयों को खाकर बताओ कि इसमें से सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है। राजा के कहने पर राज पुरोहित ने एक एक करके सभी मिठाइयाँ खा ली, परंतु परंतु याने फिर भी याने लेकिन, उसे सभी इतनी पसंद आई कि वह ये फैसला नहीं कर पाया कि सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है। फिर राजा ने यही प्रश्न तेनाली राम से पूछा। तेनाली राम कौन है? तेनाली राम एक युग के बहुत ही प्रसिद्ध, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, और वो उनके राज दरबार में एक कर्मचारी थे। कौन? तेनाली राम। तो वो राजा ने फिर उनसे ही पूछा। तब तेनाली राम ने कहा, महाराज, मैं आपको सबसे अच्छी मिठाई का नाम तो नहीं बता सकता हूँ। हाँ, खिला अवश्य सकता हूँ, लेकिन इसे खाने के लिए आप दोनों को मेरे साथ रात के समय चलना होगा। समय किसे कहते हैं बच्चों? समय यानी टाइम, यानी वक्त। तो उन्होंने बोला तेनालीराम से, राजा ने बोला, अब तेनालीराम आप बोलो कि आपको सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगती है। तो तेनालीराम तो बहुत ही बुद्धिमान थे, ऐसे ही उसने खाकर नहीं बोला कि मैं बोलूँगा ऐसे, उसने बोला कि उसके लिए आप दोनों यानी राजपुरोहित और राजा को मेरे साथ आना पड़ेगा, जिस वक्त मैं बोलूँ, रात के वक्त यानी। फिर उस रात तीनों सबसे अच्छी मिठाई खाने के लिए महल से बाहर चल पड़े। तेनालीराम उन्हें लेकर नदी के खेतों के पास जा पहुंचा। वहां कुछ गरीब किसान सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर उसके आसपास बैठे थे। तेनालीराम ने उनसे कोई चीज लेकर राजा और राज पुरोहित को खाने के लिए दी। उसे खाते ही दोनों एक साथ बोल उठे, अरे, ये मिठाइयाँ तो बहुत ही अच्छी है। ये कौन सी मिठाई है तेनालीराम? जरा इसका नाम तो बताओ। तब तेनालीराम उन्हें आग के पास ले जाकर कहने लगा, महाराज, ये गुड़ है। ये शरद ऋतु की सबसे अच्छी तथा मीठी मिठाई है, और ये ठंड के मौसम में शरीर को गर्माहट भी देती है। तेनालीराम ने क्या कहा? ये किसको कहा? तेनालीराम का उत्तर सुनकर राजा मुस्कुराने लगे। यानी अब जब उसने बोला था उनको कि मेरे साथ आ जाना रात को, तो उन्होंने उनको एक जगह लिया जो नदी के किनारे पास, वहाँ पे कुछ गरीब लोग बैठे थे, जो धूप से, धूप तो नहीं, जो ठंड से उन्होंने लकड़ियाँ जलाई थी, उसके इर्द गिर्द वो आसपास बैठे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर उनसे कोई चीज़ ली। किनसे? उन गरीब लोगों से। किसने? तेनालीराम ने। और उनसे चीज़ लेकर उन्होंने फिर वो राजा और
राजपुरोहित को दिया। जब उन्होंने वो चीज़ खाई तो उनको वो इतना अच्छा लगा, उन्होंने झट से पूछा, यानी तुरंत पूछा, यानी जल्दी पूछा कि अरे तेनालीराम ये क्या चीज़ है, इतनी स्वीट है, इतनी मज़ेदार है, ये क्या है। तो फिर तब जाके तेनालीराम ने बोला, क्या बोला, बोला ये तो क्या है, ये गुड़ है। गुड़ पता है बच्चों क्या होता है? गुड़ होता है जो शुगर केन होते हैं, गन्ने जो होते हैं, गन्ने के खेत होते हैं, बाहर कश्मीर में तो नहीं है लेकिन बाहर गन्ने के खेत होते हैं जिसे शुगर भी आता है ना, खांड जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद उसी को वो क्या करते हैं, उसमें से रस निकालते हैं, फिर उसको बहुत 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 ज़्यादा उसको हीट देकर उसको बहुत गाढ़ा बनाया जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा और कुछ चीज़ें उसमें डलती हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन उसको बहुत गाढ़ा बहुत हीट पे पकाया जाता है, तो बहुत बड़े बड़े तवों में। तो उसके बाद वो एक मीठी चीज़ बन, मीठी तो होती है, वो एक ऐसी चीज़ बन जाती है, पेड़े बनाते हैं फिर उसको छोटे छोटे रख देते हैं, फिर अगर कभी कभी हमें कहवे में, कभी चाय में, कभी किसी भी मीठी चीज़ में डालना हो तो वो डाल सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा करके, और वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, वो औषधि की तरह अब हमारे शरीर में काम करती है, गर्माहट लाती है। तब जाके यही बोला तेनालीराम ने उनको, कि तेनालीराम ने बोला महाराज ये तो गुड़ है, यानी ये गुड़ कहा जाता है, ये शरद ऋतु मैंने किसको बोला, जो हमारा विंटर सीज़न होता है, जो सर्दी का सीज़न होता है, सर्दी का मौसम होता है, उसमें ये लोग बहुत खाते हैं इसको, ताकि उनका शरीर जो है ना वो गर्माहट उसमें रहे शरीर में। तो वही ये वही है, एक तो ये मीठी होती है और दूसरी ये लाभदायक भी होती है। तो ये उत्तर सुनकर जहाँ इसने उनको एक क्या बोला, उन्होंने उनको एक ये नहीं बोला कि हाँ वो वाली मिठाई, बर्फ़ी वाली, हलवा वाली, उनने उसको एक और ही चीज़ दिखाई राजा और राजपुरोहित को, उसको उसके बाद उन्हें बोला कि ये देखिए कि ये है एक ऐसी मीठी चीज़ जो लाभदायक भी होती है और ये बहुत ही मीठी भी होती है और ये गर्माहट भी शरीर में लाती है, और ये गरीब लोग जो मंगा नहीं सकते हैं बाज़ार से, उनके लिए गन्नों की खेत में चले गए, वहाँ पे ये बना दिया, हीट किया उसको, उसको उबाल लाया बहुत ज़्यादा, तब जाके उनके घरों में ये फ्री की फ्री मिलती है। तो उसके बाद ये उत्तर सुनकर और राजा जो है वो बहुत ही मुस्कुराने लगे, क्योंकि उसको पता था कि ये बहुत ही बुद्धिमान है, इसका उत्तर जो भी होगा वो बहुत ही क्या होगा, वो बहुत ही सही होगा और बहुत ही उनके लिए ऐसा होगा कि जिससे एक सीख ही मिलेगी। तो यहाँ रचनात्मक अभिव्यक्ति जो है, नमकीन और मीठी वस्तुओं में से आपको कौन सी अच्छी लगती है, प्रत्येक बच्चा कक्षा में बताए। आप अपनी पाठ्य जो लिखित पुस्तिका है ना उस पर ये जो नीचे प्रश्न है ये आपने लिखना है, उस पर किस पे, अपनी नोटबुक पे लिख देना कि आपको कौन सी नमकीन चीज़ें पसंद है या मीठी चीज़ें। ऊपर ऐसे ही लिखना है ऐसा प्रश्न जो इसने लिखा है रचनात्मक अभिव्यक्ति में, नमकीन और मीठी वस्तुओं में से आपको कौन सी अच्छी लगती है, ये आपने कक्षा में बताना नहीं है, आप ये आप लिख लेना, कक्षा में तो अभी हम नहीं हैं तो आप ये बता देना। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जब आप ये बताओगे उसके बाद आपको ये लिखना है उस पर कि आपको हलवा पसंद है, आपको बर्फ़ी पसंद है, आपको रसगुल्ला पसंद है, जो जो आप ये चार लिखना, क्या लिखना, चार लिखना, जैसे आप 6 स्टूडेंट्स हो तो आप ये चार लिख लेना अपनी लिखित पुस्तिका पर। बाकी जो मैंने आपको कार्य दिया है आप असाइनमेंट रखना सामने समक्ष और उसको वैसे ही जो कहूँ अपनी लिखित पुस्तिका पर आप उसको कर लेना। अगर कुछ प्रश्न पूछे हैं तो उनका उत्तर खुद से ही कर लेना है, जिनको मैंने हल खुद किया है वो आपको वैसे के वैसे लिखने हैं, जो मैंने हल नहीं किए हैं अभी वो आपको खुद करने हैं उसके, क्योंकि वहाँ पे इसका इसी पूरे प्रसंग में उसका उत्तर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो कल आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।